सी एस एफ स्टडी इन केस ऑफ मेनिनजाइटिस। अगर हम लोग तीनों को कंपेयर करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अक्यूट पायोजेनिक अक्यूट एसेप्टिक मतलब वायरल एंड क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस और क्रिप्टोकोकाई। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट भी कंपेयर करके देखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली। अपियरेंस टर्बिड क्लियर स्लाइटली टर्बिड राइट। प्रोटीन इंक्रीज्ड नॉर्मल इंक्रीज्ड ग्लूकोज रिड्यूस्ड नॉर्मल रिड्यूस्ड प्रेशर एलिवेटेड उससे ज़्यादा एलिवेटेड उससे ज़्यादा एलिवेटेड राइट। तो अपने को सी एस एफ एग्जामिनेशन करने के बाद फाइंडिंग थोड़ा क्लियर हो सकता है, सम फाइंडिंग में बिकम क्लियर आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ सी एस एफ। ये क्योंकि ये यूजुअली प्रैक्टिकल में भी रखते हैं कि सी एस एफ फाइंडिंग में ये मिला, क्लिनिकल क्वेश्चन कैन बी डिजाइन कि पेशेंट केम विद हेडेक कन्वर्जन हाई ग्रेड फीवर और सी एस एफ निकाला, सी एस एफ में न्यूट्रोफिल्स मिला, क्या पॉसिबिलिटी होगा। इज एन अक्यूट पायोजेनिक मेनिनजाइटिस। सी एस एफ में ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस मिला और सी एस एफ में लिम्फोसाइट मिला, इट कैन बी वायरल और ट्यूबरकुलोस। अगर इसको हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो दिस इज अबाउट बिकम्स इन समरी ऑफ सी एस